तो गाइस 2020 तक तो हम सब ने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जो है वो कंपनीज किस तरीके से काम कर रही थी, वो इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही थी और उनका क्या ग्रोथ था, हम सब ने देखा। लेकिन 2020 में बहुत सारी इंडस्ट्री पर अफेक्ट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके बदले ड्यू टू कोरोना। यस, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर भी कोरोना का बहुत इफेक्ट हुआ और द वे ऑफ वर्किंग, द वे ऑफ प्रोग्रेसिंग इन दिस इंडस्ट्री हैज़ चेंज अ लॉट। बहुत कुछ चेंज हुआ है ये इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ है ये इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। तो क्या क्या चेंज हुआ है वो हम देखेंगे आज, सो लेट्स बिगिन। तो 2020-21 ये 2 साल को हम जान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया पूरा पड़ाव आ गया है। जिस तरीके से लोगों ने बिजनेस बिल्ड करना चालू किया है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग। सो देखते हैं हम लोग क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहली बात तो जो मीटिंग हम लोग पहले ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन जाके होम मीटिंग करो या फिर एक एक से पर्सनल मीटिंग करो, प्लान दिखाओ, वो सभी मीटिंग ऑनलाइन होने लगी। जूम का यूज़ बढ़ने लगा और जितने भी ऑनलाइन वीडियो वाले ऐप्स है उससे मीटिंग होने लगी और ऑफलाइन किसी के मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को किसी के घर जाके मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यस, तो सभी के सभी मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगे। एंड देन जैसे ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ता था, वर्ड ऑफ माउथ कब होता था कि हम लोग किसी से मिलते थे ऑफिस में, क्लास में या फिर सोसाइटी में मिलते थे, तब हम लोग वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करते थे, ठीक है कि ऐसा ऐसा बिजनेस है एंड वी यूज टू शो द प्लान एंड यस पीपल यूज ज्वाइन, ऐसे हमारा बिजनेस ग्रो होता था। लेकिन ड्यू टू कोरोना, घर बैठने से, वर्क फ्रॉम होम करने से, ऑनलाइन मीटिंग की वजह से ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग पर बिजनेस बिल्ड हो रहा है। यस, लोगों ने सीख लिया है कि मीटिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन ही बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं। यस, सो दैट इज़ अनदर चेंज ड्यू टू कोरोना। एंड नेक्स्ट इज, तो जितने भी ऑफलाइन सेल होते थे वो सब ऑनलाइन होने लगे क्योंकि पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो गया था। तो सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात तो जितना ट्रैवल हम लोग को करना पड़ता था, मे बी हमारा प्रॉस्पेक्ट अगर दूसरे स्टेट में है, दूसरे सिटी में है, तो भी लोग ट्रैवल करते थे, दूर दूर तक लोग ट्रैवल करते थे टू बिल्ड बिजनेस। बहुत से लोगों के बिजनेस सिटीज़ में, स्टेट्स में और कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। यस, तो उसमें भी आया कि अब अभी किसी को कुछ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, बस ऑनलाइन मीटिंग करो, फ़ोन पे बात कर लो एंड द बिजनेस कैन बी ग्रोन। यस, तो ये सब चेंजेस है जो हम लोग देख सकते हैं। ऑफलाइन से पूरा बिजनेस ऑनलाइन बढ़ गया है और सभी लोगों ने ये 2 साल में पूरा सीख लिया है कि ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं, घर में बैठे ही नेटवर्क कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो डिफरेंट वेज हैव कम इन टू मार्केट कि हाँ, ऑनलाइन ये टूल यूज़ करके, वो टूल यूज़ करके हम लोग बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। यस, और सबसे अच्छी बात तो इसमें ज्वाइनिंग एकदम ईजी हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ ही दिसंबर 2021 में कुछ रूल्स निकाले हैं फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसने बिजनेस को लीगलाइज तो किया ही लेकिन कस्टमर को और इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेफ गार्ड किया है। यस, तो ये ज्वाइन करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही ईजी और सेफ बिजनेस हो गया है। अलॉन्ग विद दैट, ऑथेंटिक कंपनीज जो है, जो बिजनेस ये प्रॉपरली बिल्ड कर रही थी, उनके लिए आसान हो गया है क्योंकि जो फेक पॉन्जी स्कीम्स वाली कंपनियाँ थी वो मार्केट में अब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी ड्यू टू न्यू लॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, सो मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग दिस बिजनेस एंड इट इज़ ग्रोइंग ग्रेट। यस, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको बिजनेस करना हो तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट दिस नंबर 9773637970। थैंक यू फॉर वॉचिंग।